Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss landscaping में जो भी कंप्लीट कर चुके हैं और अपना तीसरे नंबर पे जो अपना टॉपिक है वह चल रहा था, जो हर टॉपिक चलता था वो हमारा कंपोनेंट ऑफ गार्डन या फीचर ऑफ गार्डन, मतलब एक अच्छे गार्डन को अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या कुछ होना जरूरी है। जैसे कि मैं पहले अपने टोटल अपने जो लक्ष्य लगाया गया था उसमें मैंने आपको पांच चीज़ें बताई थी कि क्या कुछ होना चाहिए। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि पार्क में क्या कुछ होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, एलिवेशन मतलब लॉन क्या होता है, ये ग्रास ग्रीन ग्रास को जो पार्क में आप जाते हो, पार्क या बगीचे में जो आप नॉर्मली जाते हो, बागवानी में जाते हो, तो वहाँ पे क्या ग्रास को लगाया जाता है, वो ग्रास के कलर से लॉन बनाती है। पार्क में जो आप कल मैंने बताया था कि पार्क में जो आप लगाइए थी ग्रास को वो चार प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था बरमूडा ग्रास बताया था, बरमूडा ग्रास बताया था, फिर मैंने आपको एक बताया था कोरियन वेलवेट ग्रास बताया था, एक मैंने आपको कोरियन ग्रास बताया था और एक मैंने आपको हेलो ग्रास बताया था। ये मैंने आपको चार ग्रास बताई थी एग्जाम्पल के रूप में। फिर मैंने आपको सेकेंड पॉइंट करवाया था स्लग्स, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको करवाया था स्लग्स एंड सर्वेरी। ये गाड़ी जो आपने नॉर्मली देखी होगी, आप जाते हो बाग बाग बगीचे में जाते हो या बागवानी में जाते हो, वहाँ पे गाड़ी लगाई जाती है, तो यह सर्वोत्तम गाड़ी झाड़ियों का समूह है, ठीक है, यानी बॉर्डर बॉर्डर जो झाड़ियों का बॉर्डर बनाया जाता है उसे सफेरी बॉर्डर कहते हैं, ऐसे तरीके, ठीक है। मैंने इसे आपको फिर पुलिस में भी आपको बताया था कि फ्लोरेट वाली कौन सी होती है और कोलियाई वाली फूल वाली जो झाड़ी होती है वो कौन सी होती है, पत्ते वाली जो झाड़ी होती है वो कौन सी होती है। जो मैंने आपको बताया था फूलों वाली झाड़ियों में मैंने आपको बताया था कि बोगनवेलिया, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था बोगनवेलिया, एक मैंने आपको दिया था नेरियम नेरियम इंडिकम, ठीक है। फिर मैंने आपको कोलिन में बताया था कोलिन वेरिएट और एक एग्जाम्पल बताया था मैनियो वेरिएट डेटा, ठीक है। मैंने ये दो एग्जाम्पल आपको बताए थे और मैंने थर्ड टॉपिक फिर आपको करवाया था क्लिम्बस, सर मैंने आपको करवाया था क्लिम्बस एंड पेपर, क्लिम्बस क्लिपर्स को हिंदी में पर्वता रोह बोलते हैं और क्लिपर्स को वो लाता है, ठीक है, क्लिपर्स को बोलते हैं क्लिपर्स को बोलते लाता है, क्लिपर्स को बोलते हैं पर्वता रोह। क्लिपर्स और क्लिपर्स में क्या अंतर होता है, क्लिपर्स होती है जो इनका जो स्टेम होता है वो हैवी होता है, इनका जो स्टेम होता है वो हैवी होता है, वेट होता है, ठीक है। तो इनको किसी पौधे के जो ग्रोथ है इनको ग्रो करने के लिए किस पौधे की सार की जरूरत नहीं पड़ती है, होती ये है मेन है, लेकिन क्या ग्रो करने की जो इनके जो स्टेम का जो स्टेम होता है उसका जो वेट एग्रीगेट होता है जिससे कि वो पौधे का वजन जो आसानी से सहन कर सकता है, इसलिए इसको क्या किस दूसरे पौधे के सहारे की जरूरत नहीं होती है। और क्रिकेट क्या होती है लताएं, लताएं आप नॉर्मली घर में भी लगाते हो या बागवानी में भी आप जाते हो तो आप नॉर्मली रूप में देखते होगा कि क्रिकेट क्रिकेट क्या होती है, लताएं होती हैं जिनका क्या होता है स्टेम जो होता है वो वीक होता है, स्टेम वीक होने के कारण ये जो खुद का वजन है जो उसको हवाओं का जो खुद लताएं जो खुद का वजन है पौधे का वजन है वह खुद नहीं झेल पाती, इसलिए क्या किसी पौधे से इसको किसी दूसरे पौधे की जरूरत पड़ती है, यानी किसी पौधे के सहारे की जरूरत पड़ती है, होती है पेपर। फिर मैंने आपको क्लिपर्स का मैंने एग्जाम्पल बताया था बोगनवेलिया और फूड रोज, क्लिपर्स में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया एक फूड रोज हो गया, बोगनवेलिया हो गया, बोगनवेलिया स्लग्स भी है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्लिपर्स क्लिपर्स ने एग्जाम्पल बताया था गार्लिक वाइन हो गया, लेमन वाइन हो गया और एक अलमांडा वाइन हो गया, ठीक है। ये अपने मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि क्लोवर बेड्स एंड बॉर्डर्स,
3 पॉइंट हो गए, कल आपने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे और 4 पॉइंट है लोअर बैट्स, लोअर बैट्स है ना बोर्ड पे। लोअर बैट्स क्या होता है? पार्क में आप लोग जाते हो, कई तरह के फूल होते हैं, कई तरह के फूल होते हैं जो वार्षिक पेंडल होते हैं, परिएंडल होते हैं, एक वार्षिक होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल बताया था, जैसे वार्षिक में एंडल में हो गया मैरीगोल्ड, हो गया मैरीगोल्ड के बाद पेटिलियम हो गया, पेटिलियम ब्लूम हो गया, एक है एक वर्षीय, ठीक है। बहुवर्षीय हो गया जैसे एस्टर हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, और जेरेनियम, जेरेनियम हो गया, एस्टर हो गया, ये क्या है पेरेनियल, पेरेनियल रोज, ठीक है। आप नॉर्मली आप घर में भी जाते हो, घर में भी आपने लगा रखे होंगे फूल, घर में भी आप घर के चारों ओर फूल लगा सकते, लगाते हैं, पार्क में भी फूल लगाते हैं, यानी पार्क में जो रास्ता होता है रास्ते के दोनों साइड फूल लगा सकते हैं, जिससे कि वह रास्ता आकर्षक लगता है, और घर में भी घर के चारों ओर लगाते हैं, या किसी बड़ी इमारत के बाहर इमारत के चारों ओर लगाते हैं। तो वॉटर क्या होता है? वॉटर होता है जैसे एक ही लाइन में, जैसे ये भी पार्क है एक ही लाइन में ये फूल फूल लगा रखे हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या आ रही है, क्या ये क्या ये क्या ये क्या, मतलब एक ही एक साथ 7 से 8 क्यारियों में फूलों में लगाना वो क्या क्या रहता है? मोटर कहलाता है, किसी चीज़ का मोटर कहलाता है, ठीक है। फिर मैंने आपके फोर्थ पॉइंट हो गया, फिर अपने फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट क्या होता है? ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट में जो होता है ये क्या होता है? फ्लोरिंग स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट है जो क्या फ्लोरिंग स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जैसे कि अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट आपने नॉर्मली बाग में देखा होगा, जैसे ये बाग है तो इसमें क्या है, ये रास्ता है, रास्ते के ऊपर ऐसे कोई झाड़ियों या बढ़ाई जाती संरचना बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? ऑर्नामेंट कहलाती है, ठीक है। ये 5 पॉइंट अपने हो गए, फिर 6 पॉइंट की अपने बात करेंगे, 6 पॉइंट अपना सिक्स पॉइंट अपने बात करेंगे, नॉर्मली आप जानते हो बाग में जाते हो, बाग में रास्ते होते हैं, नॉर्मली सभी बाग में बाग में होते हैं रास्ते, तो बाग में भी रास्ते वो भी होने चाहिए, तो इसी बात पर अपने बात करेंगे। छठा पॉइंट आपको वॉक्स है, एक बार अच्छा कब लगता है? एक बार भरोसा कब लगेगा? जब उसमें प्रॉपर उसका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, प्रॉपर सभी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे उसमें एक सुविधा ये भी है कि उसमें रास्ते होने चाहिए, तक एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए पार्क के अंदर से नहीं जाना पड़े, रास्तों का इस्तेमाल किया जा सके। अगर सीधे पार्क के अंदर से जाएंगे तो क्या पार्क खराब होगी? रास्ता खराब होगी, घास खराब ना हो उसके लिए क्या रास्ते बनाए जाते हैं। रास्तों में क्या है? रास्तों में क्या है कि रास्ते अपने जो है वो पूरे बाग, जैसे बाग है बाग में जो रास्ते हैं वो कम से कम होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि अब आप कोई बाग बना रहे हो तो उसमें सभी जगह जगह पर रास्ते भी रास्ते बना रहे हो, रास्ते में ज़्यादा जगह घेरते हैं, ज़्यादा जगह घेरेंगे तो उतना बागों का जो आकर्षक कम पर लगा आकर्षक कम कर सकोगे, अगर रास्ते कम रहोगे तो आप अधिक से अधिक फ्लोरिंग फूलों का यूज कर पाओगे, ऑर्नामेंटल का यूज कर पाओगे, बॉर्डर वगैरह बना स्ट्रक्चर का यूज कर पाओगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें फूलों वाले पेड़ लगा सकते हो, ट्री लगा सकते हो, तो वो सभी क्या आप उनकी जगह रास्तों की जगह एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सकते हो, जिससे आपका गार्डन और अधिक ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर अपने बाहर आए तो नॉर्मली जो पार्क में रास्ते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ब्रिक्स के द्वारा, या कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट के द्वारा, या पेड़ पार्क बनाए जाते हैं, पेड़ पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। ब्रिक्स ये ईंटों द्वारा बनाए जाते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कॉन्क्रीट सीमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, और पेड़ या रास्ते पेड़ वाले पक्के रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है। जो फॉर्मल गार्डन होता है आपके जो भी आपके जो स्टार्ट करेंगे तो आपके टॉपिक आएगा गार्डन टाइप एंड स्टाइल, उसमें आपका ये
साइड में गार्डन में क्या रास्तों का इस्तेमाल रास्ते यूज किए जाते हैं, इसमें क्या पेड़ पार्क बनाए जाते हैं, जो ये जो रास्ते हैं ये इसमें पेड़ पार्क बनाए जाते हैं, यानी पक्के रास्ते बनाए जाते हैं। ठीक है, पक्के रास्ते बनाए जाते हैं। तो पक्के रास्ते किससे बनते हैं भाई, और मुझे आपको पता ही होगा कि पक्के रास्ते किससे बनते हैं, ईंटों से हो गया, कंक्रीट से हो गया या स्टोन से हो गया, ये सभी से क्या पक्के रास्ते बनाए जाते हैं। ये जो रास्ते हैं गोल्डन गार्डन पे मुख्य अंग है। ये 6 पॉइंट हो गया। सर 7 पॉइंट की बात करते हैं आगे। 7 पॉइंट देखे तो क्या ओके ठीक है, पार्क में जाते हैं, पार्क में जाते हैं तो क्या हम लोग होती है चट्टाने, जो चट्टाने बड़ी होती हैं स्टोन की होगी या किसी और चीज की बनी हुई होगी, तो उसमें क्या होता है रोटेरी क्या होता है, उसको एक पार्क का एक अंग माना जाता है। पार्क का अंग इसलिए माना जाता है उसमें वह रोटेरी होती है, चट्टाने वगैरह होती है वह अच्छी लगती है। ठीक है, उनको क्या उसको रोटेरी चट्टानों गार्डन को एक साथ लाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों को लगा देना, विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंटल ट्री को लगा देना, ये सब क्या है, ये सब एक लैंडस्केप गार्डन का मुख्य अंग है। इसमें जैसे एग्जांपल हो गए, जैसे अपने कौन कौन से इसमें रोटेरी में दो रोटेरी में यूज कर सकते हैं, जो पौधे होते हैं चट्टाने होती है, चट्टानों में जो दो चट्टाने हैं, दो चट्टानों में जो जगह है उसमें अपने कौन कौन से पौधे हैं जो यूज कर सकते हैं, जिससे वह चट्टाने बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है। जैसे फर्स्ट हो गया एलोवेरा, कॉमन नेम एलोवेरा तो नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरी की बात करेंगे तो दूसरा कौन सा हो गया सिंडम। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया सिंडम। ये क्या है, आप जो दो चट्टानों के बीच जो दरार है उसको भरने के लिए उनकी जगह उसकी जो दोनों दो दो चट्टानों के बीच की जो दरार है उसको भरने के लिए उसमें एलोवेरा लगा सकते हो या एक सिंडम लगा सकते हो। ठीक है, इसमें जो दो प्रकार की होती है जैसे एक तो फर्न वाली होगी और एक होगी फ्लोरिंग वाली। पहले अपने फर्न वाली देखते हैं, फर्न वाली कौन सी है, फर्न वाली होगी नेफ्रोडियम, नेफ्रोडियम, नेफ्रोडियम। ठीक है, फिर सेकंड है पोडियम, सेकंड है पॉलीपोडियम, पॉलीपोडियम, पॉलीपोडियम। ये कौन सी है आपकी फर्नस वाली, फर्न वाली, फर्न वाली, फर्न कौन सा मतलब होता है फर्न, फर्न होगी। जैसे एलोवेरा आपने देखा होगा वो क्या एक फर्न है। ठीक है, तो उसमें अपने जो फर्न को कौन सी यूज कर सकते हैं, नेफ्रोडियम या पॉलीपोडियम। अब अपने इसमें फ्लोरिंग वाली बात करते हैं, फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में देखते हैं विंका और वर्बेना। ठीक है, विंका और वर्बेना, विंका और वर्बेना। ये क्या है, ये फूल वाली, ये फूल वाली दो जनों के मध्य जो फूल वाली होती है उन्हें यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब आपका सेवन पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एट नंबर पॉइंट के बारे में। एट नंबर पॉइंट क्या है, टोपी एरिया। एट नंबर पॉइंट क्या है, टोपी एरिया। टोपी है कि आप नॉर्मली बाग में जाते हो, बाग में जाते हो तो आपने देखा होगा, कभी आपने ध्यान दिया होगा बाग में जाने के बाद, तो आप पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे हो गए या कोई झाड़ियाँ जो है वो क्या है उनको किसी एनिमल की शेप दे दी या किसी बर्ड की शेप, पक्षी की शेप दे दी। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, टोपियरी कहलाते हैं। टोपियरी में क्या होता है, एनिमल या बर्ड के किसी सर्प को इसमें क्या है नॉर्मली शर्त का ही शर्त का भी क्यों यूज किया
किया जाता है, क्योंकि सरफ क्या होती है, सरफ को आसानी से झुका सकते हैं। पतली होती है, मैंने आपको बताया था सरफ से डिस्ट्रीब्यूटी ध्यान दिया होगा आपने, सरफ में आपको मैंने बताया अपने उसी टाइम पहले तो मैंने आपको रिवीजन में बताया था सरफ से पहली क्या होता है, सरफ होती है झाड़ी होती है, झाड़ी को क्या है आसानी से झुका सकते हैं। ठीक है, जिस शेप में अपने झाड़ी को ढालना चाहेंगे उसी शेप में अपने स्ट्रक्स को ढाल सकते हैं। जैसे एनिमल शेप देंगे तो उससे तार होती, जैसे अपने कोई स्ट्रक्स लगाई है कोई झाड़ी लगाई है तो उसको शुरू से ही एनिमल की शेप देंगे स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वह जब पूर्ण विकसित होती है तब पूरे एनिमल की शेप ले लेती है। इसमें जो एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कौन सी ऐसी पौधे हैं जिनको या कौन सी ऐसी स्ट्रक्स है जिनको अपने इसमें यूज कर सकते हैं कि इसको एनिमल का शेप दिया जा सके या बर्ड किसी बर्ड का शेप दिया जा सके। तो अपने पास बबल नीचे, बबल नीचे मैंने आपको बताया था चरम से जो था चरम से अपने बात की थी, बबल नीचे के बारे में बताया था मैंने आपको, बबल नीचे। ठीक है, इसमें अपने सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसी गाड़ी को किसी शख्स को एनिमल या बर्ड की शेप में बदलना क्या कहलाता है, तो टोपियरी कहलाता है। तो टोपियरी को एग्जाम्पल हो गया जैसे बोगनवेलिया हो गया और कैसे एरिया हो गया। ठीक है, ये आपके जो पिछले साल के एग्जाम्पल पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ देखने में उसमें कहेंगे टोपियरी क्या होता है, टोपियरी किसी शख्स को एनिमल या किसी गार्डन में शख्स को एनिमल या बर्ड की शेप में बदलना क्या कहलाता है, तो केरी कहलाता है। एग्जाम्पल हो गए बोगनवेलिया और कैसुएरिया। फिर अपने आगे बात करते हैं एट नंबर पॉइंट आ गए, एट नंबर तो केरी हो गया, नाइन नंबर टॉपिक आपका सनी गार्डन। सनकिन गार्डन, सनकिन गार्डन क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है आप बागों में जाते हो फाउंटेन, जैसे आप जैसे ही आप बाग हो किसी बागवानी में गए हो या किसी बाग में जा रहे हो या किसी पार्क में जा रहे हो, जैसे ही आप किसी बड़े पार्क में जा रहे हो जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद क्या दोनों साइड फुहारे लगे होते हैं, फुहारे लगे होते हैं दोनों देखे होगा आपने, फुहारे लगे होते हैं वो क्या कहते हैं, वो सनकिन गार्डन यानी फाउंटेन और स्मार्ट रूम का निर्माण करना क्या कहलाता है, सनकिन गार्डन कहलाता है। इसमें क्या है सीढ़ीनुमा फुहारों तक चढ़ने के लिए सीढ़ीनुमा जा रहा है सीढ़ीनुमा पौड़ियाँ भी है सीढ़ी बनाई जाती है सीढ़ीनुमा सीढ़ी बनाई जाती है। इसमें क्या होता है फाउंटेन और स्मार्ट रूम का निर्माण किया जाता है, बाथरूम फाउंटेन और स्मार्ट रूम का निर्माण करता है, स्मार्ट रूम का निर्माण करना गार्डन कहलाता है। अपने बात करते हैं स्त्री, स्त्री जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, स्त्री के बाद पेड़ कटेंगे, ऑक्सीजन
जिससे कि है ऑक्सीजन की कमी भी ना हो, छाया भी मिले और इन्वायरमेंटल जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसका भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ट्री अब अपने जो टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं उसी भी आते हैं कि ट्री का पेड़ का बागवानी में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। अब नॉर्मली बात ले जाओगे, अगर आपने बाग में गए वहाँ पे पेड़ नहीं है, ट्री नहीं वहाँ पे पेड़ नहीं है, लेकिन बाकी वहाँ पे सब कुछ है, जैसे रोकड़ी है, सरस है, सनकिन गार्डन है, लॉन लगा रखा है और टोपियरी लगा रखा है, जो और अच्छे लगता है वो भी बहुत से फ्लोरिंग फूल वगैरह लगा रहा है, फ्लोरिंग लगा रखे हैं, फूल लगा रखे हैं और उसे बहुत कुछ लगा रखे हैं, उसने पेड़ नहीं लगा रखे। तब जब भी पर्यटक या लोग वहाँ पे घूमने आएंगे तो वह धूप में आपको में धूप में वह किसी टाइम में पार्क में बैठे अगर विश्राम करना चाहे या आराम करना चाहे तो कहाँ पर बैठेंगे पार्क में, नहीं बैठ पाएंगे ना। इसलिए क्या है पेड़ की जो बागवानी में जो या बाग में जो पेड़ की एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि पेड़ होने भी चाहिए वहाँ पे, अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो विश्राम नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या पर्यटक है लोग घूमने भी आएंगे, सुबह ही लोग घूमने घूमने शाम इवनिंग मॉर्निंग या इवनिंग में घूमेंगे आफ्टरनून में घूमने भी आएंगे, जिससे क्या बाग में बहुत महत्वपूर्ण बहुत नुकसान पहुँचता है। इसलिए क्या बाग में जो है वो पेड़ होने चाहिए। अब इसमें कौन कौन से कितने प्रकार के पेड़ होते हैं वो अपने बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेड़ जो स्पाइसमैन ट्री है, फर्स्ट है स्पाइसमैन ट्री क्या होते हैं या स्पाइसमैन प्लांट क्या होते हैं। नॉर्मली आपने प्लांट में देखा होगा, नॉर्मली प्लांट में देखा होगा कि मसाले वाले जो पेड़ होते हैं उनको स्पाइसमैन ट्री पेड़ नहीं बोला जाता है, स्पाइसमैन बड़े पेड़ को बोला जाता है। इन्हें फूल आते हैं, फूल आते हैं लेकिन छाया नहीं देते, छाया नहीं देते लेकिन फूल आते हैं, वह आपके स्पाइसमैन ट्री होते हैं, स्पाइसमैन ट्री कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं प्लूमेरिया, जैसे प्लूमेरिया कैनवा और प्लूमेरिया बे, प्लूमेरिया बे रूडा रूडा सॉरी प्लूमेरिया रूड्रा, ये क्या इसके एग्जाम्पल है, जैसे प्लूमेरिया एल्फा प्लूमेरिया रूबेरा, ये क्या स्पेसिफिक ट्री के एग्जाम्पल है। और अपने दूसरे जो पेड़ होते हैं जैसे फूल वाले, फूल भी देते हैं छाया भी देते हैं, वह उन अपने यानी उनको क्या कहते हैं फ्लोवरिंग ट्री, उसके एग्जाम्पल भी दे देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं फ्लोवरिंग ट्री, क्या फ्लोवरिंग ट्री फ्लोरिंग ट्री के फिर फूल बता दें आपको शायद देते हैं फूल भी देते हैं। तो फ्लोरिंग ट्री के एग्जाम्पल दे देते हैं फाइकस रेलिया, फाइकस रेलिया फाइकस रेलिक्यूसा, फाइकस रेलिक्यूसा, फाइकस सॉरी 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 ये जो आपका फाइकस रेलिक्यूसा है ये फ्लोरिंग ट्री नहीं है, ये शेड ट्री है। शेडिटी मतलब इनका जो साइज होता है, शेडिटी क्या होता है इनका जो साइज होता है वह बहुत बड़ा बहुत बड़े पौधे होते हैं, ये नॉर्मली पार्क के बीच में लगाए जाते हैं ताकि वह अधिक से अधिक छाया प्रदान कर सकते हैं। ये शेड शेड की होती है छाया बोलते हैं, छायादार वृक्ष, छायादार वृक्ष यानी छाया प्रदान करते हैं। जैसे कि हमको लगे फाइकस रेलिगियोसा, फाइकस रेलिगियोसा। हम अपने बात करते हैं फ्लोरिंग ट्री, फ्लोरिंग ट्री कॉम्पेन लाता। ठीक है, यह आपका जो सेकंड टॉपिक है।
आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, यानी कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, कंपोनेंट ऑफ गार्डन या पिक्चर ऑफ गार्डन। ये टॉपिक आपके हो चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ गार्डन, सेकंड टॉपिक आपका एलिमेंट्स ऑफ गार्डन, और थर्ड टॉपिक हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ गार्डन। और फर्स्ट लेसन में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। आपके टोटल तीन टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब अपने कल जो है